हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्स है क्या। दोस्तों, इम्यून रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो आपके आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है किसी एंटीजन के अगेंस्ट। क्लियर? एक बार फिर समझेंगे कि जब भी बॉडी पे कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन या एलर्जन एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम जो स्पेसिफिक रिएक्टिविटी जनरेट करता है, ठीक है, या जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट रिस्पॉन्स और दैट रिएक्टिविटी इज नोन एज इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? तो ये होता कैसे है? आफ्टर फॉलोइंग एन एंटीजन स्टिमुलस, जब भी कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस आपकी आपकी बॉडी को इंड्यूस करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम उस एंटीजेनिक स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। उसी रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? सपोज कोई एंटीजन ये बॉडी है, सपोज ये एंटीजन एंटर किया, राइट? तो आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी में बहुत सारे इम्यूनो कंप्यूटेंट सेल्स हैं, लाइक बी सेल्स, टी सेल्स, माइक्रोफाजेज, डेंड्राइटिक सेल्स, लाइक दैट। क्लियर? तो ये सारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, जो भी इम्यूनो कंप्यूटेंट सेल्स हैं, वो इस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। मीन्स या तो डायरेक्टली इसको एंगल्फ करती हैं, या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? तो उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे व्हाट? इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये दो टाइप का है आपका। एक तो है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड अनदर वन इज सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? तो आज की जो वीडियो है आपकी, दैट इज स्पेसिफिक फॉर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इस वीडियो में हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, विच इज ऑल्सो नॉन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन बाई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनी एंटीजन। क्लियर? इसमें होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी को जो प्रोटेक्शन मिलता है, मीन्स जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो उससे उसमें आपकी जो बॉडी आपकी बॉडी को जो प्रोटेक्शन मिलेगा, वो प्रोटेक्शन किससे मिलेगा? एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन से। क्लियर? तो एंटीजेनिक स्टिमुलस या कोई भी एलर्जन आपके इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा, और उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से स्पेसिफिकली बाइंड करके उस कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हो जाते हैं, मींस न्यूट्रलाइज हो जाती हैं आपकी एंटीजेंस। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो ये होल प्रोसेस होती कैसे है, एक समराइज्ड डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको बताऊं।
देखिए दोस्तों, सपोज कोई एलर्जन या एंटीजन एंटर किया बॉडी में, तो इस एंटीजन को ये डायरेक्टली आपकी इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स से प्रोसेस नहीं होता, मीन्स आपकी टी सेल्स से ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता। ये सबसे पहले इस एंटीजन को कौन प्रोसेस करती हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस एंटीजन को प्रोसेस करके इसको प्रेजेंट करती हैं टी सेल्स को। क्लियर? एंटीजन को ये एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रोसेस करके इसको सरफेस पर लेके आती हैं विद द हेल्प ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स, मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स। सपोज दीज आर द एमएचसी मॉलिक्यूल्स अलोंग विथ एंटीजन। क्लियर? क्योंकि जो एंटीजन्स होते हैं आपके, वो टी सेल्स उसको टी सेल डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकता। वो कैसे प्रोसेस होगा, जब आपके एंटीजन जो कंप्लीट एंटीजन है वो आपका स्मॉल पीसेस में डिग्रेड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स आपका वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस पेप्टाइड मॉलिक्यूल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में प्रेजेंट एमएचसी मॉलिक्यूल्स, मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स, उसको क्या करती हैं, उसकी सरफेस पे लेकर आती हैं, ताकि वो आपका टी सेल्स को वो प्रेजेंट करें एंटीजेंस को। तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स, स्पेशली इन केस ऑफ एपीसीज दीज आर एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स। ये इसको क्या करती हैं, एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे लेके आती हैं और ये इसको टी सेल्स को प्रेजेंट करती हैं। देन दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विल एक्टिवेट टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। क्लियर? देन दिस टी हेल्पर सेल, दिस टी हेल्पर सेल गेट एक्टिवेट एंड कन्वर्ट्स इनटू इफेक्टर टी हेल्पर सेल, इफेक्टर टी हेल्पर सेल, राइट? दिस इफेक्टर टी हेल्पर सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट्स इनटू टी हेल्पर वन एंड टी सॉरी टी हेल्पर टू सेल्स। दिस टी हेल्पर वन सेल विल हेल्प हेल्प्स इनटू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड दिस टी हेल्पर टू सेल्स हेल्प्स इनटू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बिकॉज टी हेल्पर टू सेल्स रिलीज सम साइटोकाइंस विच विल एक्टिवेट बी सेल्स। टी हेल्पर्स टू सेल्स रिलीज वेरियस साइटोकाइंस विच एक्टिवेट्स बी सेल्स, एंड दीज बी सेल्स कन्वर्टेड इंटू प्लाज्मा सेल्स, देन दीज प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो इस तरह से आपका जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। फाइनली आपकी क्या होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं इस एंटीजन के अगेंस्ट। क्लियर? और ये एंटीबॉडीज आपकी एंटीजन से बाइंड होके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और आपका ये कॉम्प्लेक्स इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? तो दिस इज अ समराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ इट वर्क्स, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दोस्तों एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन, दोस्तों एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए बॉडी में बहुत सारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है। बॉडी में बहुत सारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। अगर इसको क्लासिफाई किया जाए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, तो दो तरह की बेसिकली आप बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। एक तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और दूसरी होती हैं नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपकी जैसे डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेज, एंड बी सेल्स, एंड नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर लाइक फिब्रोब्लास्ट्स, ग्लायल सेल्स, एंड थायराइड एपिथेलियल सेल्स। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मोस्टली हेल्प इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। क्लियर? डेंड्राइटिक सेल्स या मैक्रोफाजेज या बी सेल्स में से आपकी कोई भी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम कर सकती है। तो देखिए किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों सपोज ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मैक्रोफाज हो सकती है आपकी, डेंड्राइटिक सेल हो सकती है। क्लियर? तो देखिए, और ये आपका क्या है, ये एंटीजन है। दिस एंटीजन एंगल्फ बाय दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड द एंटीजन इज डिग्रेडेड बाय वेरियस लाइसोजाइम्स प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दिस एंटीजन डिग्रेडेड इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, सपोज दीज आर द एंटीजेनिक पेप्टाइड्स, एंड दीज पेप्टाइड्स विल बी प्रेजेंटेड बाय एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर? एंटीजन को ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंगल्फ करती हैं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में बहुत सारी लाइसोजाइम्स होती हैं। ये लाइसोजाइम्स इस एंटीजन को डिग्रेड करके स्मॉल पीसेज में, स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। इन पेप्टाइड्स को एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स कैरी करके इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पर लेके आती हैं और ये इसको प्रेजेंट करती हैं। क्लियर? किसे प्रेजेंट करती हैं? टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करती हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे ही आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करती हैं टी हेल्पर सेल को, तो आपका टी हेल्पर सेल्स कैसे एक्टिवेट होगा, यानी एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, टी हेल्पर सेल्स
एक्टिवेशन में बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स आपके वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सिग्नल जनरेशन है, दैट इज एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल्स। देखिए, अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मार्कर, सरफेस मार्कर की बात करें, तो सरफेस मार्कर्स में एक तो आपको पता है कि इसकी सरफेस पर एमएचसी क्लास 2 प्रेजेंट है, विच कंटेन पेप्टाइड मॉलिक्यूल। क्लियर। दूसरा जो सरफेस मॉलिक्यूल है, दैट इज B7 मॉलिक्यूल। दिस इज B7 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। क्लियर। और इधर टी हेल्पर सेल की बात करें, टी हेल्पर सेल सरफेस मार्कर्स की बात करें, तो टी हेल्पर सेल हैव वेरियस सरफेस मार्कर्स लाइक TCR। दिस वन इज TCR, टी सेल रिसेप्टर, एंड एंड दिस वन, दिस मार्कर इज CD28, CD28 मॉलिक्यूल, राइट। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल किसको बोलेंगे आप। एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टू TCR। देखिए, इधर जो आपके पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं, किसके पास, इस एमएससी क्लास 2 के पास जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल इंटैक्ट विद TCR, टी सेल रिसेप्टर। द फर्स्ट इंट्रैक्शन, किसका इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स विद टी सेल रिसेप्टर। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, ये किससे इंट्रैक्ट होता है, टी सेल रिसेप्टर से, विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टी हेल्पर सेल। क्लियर। दूसरा सिग्नल, दूसरा एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल, ये जो आपकी एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये किससे इंट्रैक्ट होती हैं आपकी, इस मॉलिक्यूल से, विच इज CD4 मॉलिक्यूल्स, CD4 मॉलिक्यूल। क्लियर। तो जो ये CD4 मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टी हेल्पर सेल्स, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के केस में CD8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो CD4 मॉलिक्यूल्स आपके किससे इंट्रैक्ट होते हैं, एमएचसी क्लास 2 से, और पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स आपके इंट्रैक्ट होते हैं टी सेल रिसेप्टर से। और ये तो है आपके एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल्स, इन विच TCR इंट्रैक्ट्स विद पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स एंड CD4 मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट विद एमएससी क्लास 2। देन अनदर सिग्नल इज को स्टिमुलेटरी सिग्नल। इन को स्टिमुलेटरी सिग्नल बाइंडिंग ऑफ CD28 मॉलिक्यूल्स विथ B7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्लियर। दिस इज नोन एज को स्टिमुलेटरी सिग्नल। और दूसरा को स्टिमुलेटरी सिग्नल क्या है दोस्तों, कि APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंटरल्यूकिन को रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन वन विच विल एक्ट ऑन दिस टी हेल्पर सेल। इंटरल्यूकिन रिलीज किया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, जो किस पे एक्ट करेगा, विच एक्ट्स ऑन दिस टी हेल्पर सेल, राइट। तो जैसे ही ये सिग्नल जनरेशन होगा आपका, जैसे ही आपका एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल्स और को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जनरेट होंगे, इन टर्न आपका टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होके ये आपका इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है। क्लियर। इंटरल्यूकिन 2 के लिए इसी टी हेल्पर सेल पे रिसेप्टर्स बने हुए हैं, तो ये इंटरल्यूकिन 2 किस पे एक्ट करेगा, सेम इट विल एक्ट ऑन द सेम टी हेल्पर सेल। क्लियर। और आपका जो टी हेल्पर सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एक तो आपकी मेमोरी टी हेल्पर सेल्स में, दूसरी इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स में। क्लियर।
Now, these effector T helper cells will further divides into further differentiates into T helper 1 and T helper 2 cells. Clear? These T helper cells, T helper 1 cells further stimulate cytotoxic T cells, which induce cell-mediated immunity. क्लियर? टी हेल्पर वन सेल्स आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंड्यूस करती हैं. क्लियर? और दूसरी जो आपकी टी हेल्पर टू सेल्स हैं, टी हेल्पर टू सेल्स आपकी बहुत सारे साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 6. क्लियर? विच एक्टिवेट बी सेल्स, दे एक्टिवेट्स बी सेल्स. दिस इज एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड बी सेल. द साइटोकाइंस रिलीज्ड फ्रॉम टी हेल्पर टू सेल्स एक्टिवेट्स बी सेल्स. क्लियर? एंड दीज बी सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल्स. दिस इज द ग्रीन कलर सेल इज प्लाज्मा सेल. दिस इज प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल. क्लियर? दिस प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस वेरियस एंटीबॉडीज. क्लियर? ये प्लाज्मा सेल्स आपकी क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं इस एंटीजन के अगेंस्ट. क्लियर? तो इस होल प्रोसेस को एक बार फिर समझेंगे. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है अलोंग विद एमएससी क्लास 2, दे विल इंटरेक्ट विद टी हेल्पर सेल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल्स एंड को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स. एंटीजन स्पेसिफिक सिग्नल्स में आपकी जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल हैं वो टी सेल रिसेप्टर से इंटरेक्ट होती हैं, और जो आपकी एमएससी क्लास 2 है वो CD4 मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होती हैं, और दूसरा आपका को स्टिमुलेटरी सिग्नल में B7 मॉलिक्यूल्स ऑफ APC ये आपकी किससे इंटरेक्ट होती हैं? CD8 मॉलिक्यूल्स जो कि टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट है. क्लियर? और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपकी इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करती है जो टी हेल्पर सेल पर एक्ट करती है. क्लियर? टी हेल्पर सेल आपका इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है. इंटरल्यूकिन 2 सेम टी हेल्पर सेल पर एक्ट करके इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है टी हेल्पर सेल का, मेमोरी टी हेल्पर सेल्स और इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स में. इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स आपकी फर्दर डिफरेंशिएट होती है टी हेल्पर 1 सेल और टी हेल्पर 2 सेल में. टी हेल्पर 1 सेल तो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है, और इधर टी हेल्पर 2 सेल्स आपकी बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करते हैं. केमिकल मींस साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 10 आल्सो. क्लियर? तो ये साइटोकाइंस आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं. क्लियर? और बी सेल्स आपकी मेच्योर होके प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और प्लाज्मा सेल्स आपकी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं. क्लियर? तो इस तरह से आपका जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाता है. क्लियर? तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, और अपने सुझावों को, अपने सजेशंस को, अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.